पिछले प्रोग्राम बताया मैंने कि कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अपने शक्ति के हिसाब से श्री कंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एकता दृष्टवा यह देखकर श्री कंठ कथयत। श्री कंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। दोस्त मैं तुम्हारे सत्कार से प्रसन्न हूं, संतुष्ट अस्मि, प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ योर रिस्पेक्ट। आपने अति सत्कार किया है, जो मुझे रिस्पेक्ट दिया है उससे पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड हूं। केवलम इदमेव मम दुखम, मुझे केवल इस बात का दुख है, यत तव गृहे एको भृत्या नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर चाकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे आतिथ्य सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तो बहवा कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति उदत, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममात अष्टो कर्मकराः सन्ति। अरे दोस्त, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं, मेरे भी 8 सेवक हैं। तेचा वो कौन कौन है, दो पादौ, दो पैर जिनके माध्यम से मैं कहीं भी चला जाता हूं, उसको बोलता हूं चलो, मेरे दोनों पैर चल जाते हैं। दो हाथों, दोनों हाथ, हाथों बोलता हूं ये काम करो, मेरे दोनों हाथ काम करने लगते हैं। दो नेत्र, दो आंखें, जब आंखों बोलता हूं देखो आंखें देखती हैं, जब आंखें आंखों बोलता हूं तो मत देखो आंखें बंद हो जाती हैं, जो बोलता हूं इसको देखो उसको देखती हैं, जो चीज नहीं देख रही है उसको नहीं देखती हैं। तो दो आंखें, दो कान, कानों को जब बोलता हूं सुनो तो कान सुनते हैं, नहीं कहता नहीं सुनते हैं। इस प्रकार से दो पैर, दो हाथ, दो आंखें और दो कान, ये 8 मेरे कर्मचारी हैं। एते प्रतिक्षणा मम सहायकाः, ये हर क्षण मेरी सहायता करते हैं। तव भृत्याः सदैव सर्वत्र न उपस्थिता भवति न शक्नुवन्ति। लेकिन दोस्त क्या तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे नौकर हैं जो बाहर से आते हैं वो हर समय उपस्थित नहीं होते, कभी कभी छुट्टी मार देते होंगे जब बुलाते होंगे, तो कभी लेट से आते होंगे, कभी जल्दी जाते होंगे। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम होती, अपने बल पर काम करने में सदा सुख है, कभी कष्ट नहीं होता। मेरे जो कर्मचारी हैं कभी अपसन नहीं होते, कभी छुट्टी नहीं मारते, मेरा सारा काम समय पर अच्छी तरह। श्री कंठ उदत, श्री कंठ बोला, मित्र तव वचनानि सुत्वा मम मनसि महति प्रसन्ना जाता, अरे दोस्त तुम्हारी वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत बड़ी खुशी हुई, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आई प्लेज विद यू, अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब तो मैं भी अपने काम खुद से ही करना चाहता हूँ, कर्तुम करना चाहता हूँ, पढ़तुम पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ तुम लगे के लिए होता है, कर्तुम करने के लिए, पढ़तुम पढ़ने के लिए, लिखतुम लिखने के लिए, गंतुम जाने के लिए इच्छामि, चाहता हूँ। भवतु, ठीक है, साढ़े बारह, अब 12:30 बज गए हैं, शाम प्रथम गृहम चलावा, अब हमें घर चलना चाहिए। शाम प्रथम गृहम चलावा, अब हमें घर चलना चाहिए, चलावा शाम प्रथम गृहम चलावा, अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि 12:30 बज गए हैं। ऐसा किसने कहा, श्री कंठ बोला। तो इस पाठ से आपने क्या सीखा, हमें अपने कार्यों करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपना काम खुद से करना चाहिए, तभी हम अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं, हमारा काम बढ़िया होगा, हम किसी गुलाम नहीं होंगे।
किसी गुलामी में नहीं करेंगे, जो आजकल मना है कि हम किसी से काम नहीं कराते, बाल मजदूरी मना है, बाल श्रम मना है, तो हम स्वयं अपना काम खुद से करें, इससे हम खुश होंगे और हमारा काम भी अच्छे से होगा। थैंक यू।